प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच ये खबर सामने आई है कि भारत अमेरिका को मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची सौंपेगा। सूची में शामिल ये आतंकी मुंबई में 26/11 हमले और अन्य आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। लश्कर सरगना हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत कई बड़े आतंकियों को पकड़ने के लिए भारत अब नई पहल कर रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट अमेरिका को सौंपेगा और इन्हें पकड़ने के लिए अमेरिका से समझौता किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि भारत इन्हें पकड़ने के लिए FBI से मदद मांगेगा। वहीं भारत टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर का हिस्सा भी बनेगा। भारत जिन मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट अमेरिका को सौंपने वाला है उनमें कई आतंकी के नाम शामिल हैं। भारत जिन मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट अमेरिका को सौंपने वाला है उनमें हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, यूसुफ मुजामिल, जम्मू कश्मीर में लश्कर के कई आतंकी वारदातों में शामिल राशिद अब्दुल्ला उर्फ रहमान, कराची में आतंकी वारदात को अंजाम दिया सज्जाद मीर, 26/11 हमले में शामिल मेजर इकबाल, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का पूर्व अफसर, 26/11 का गुनहगार है राशिद अब्दुल्ला उर्फ रेहान, मेजर सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान हाशमी पूर्व IAS ऑफिसर हैं, मेजर समीर अली, आमिर रजा खान, रियाज भटकल भारत के कई आतंकी हमलों में शामिल, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, पाकिस्तान में छुपे बैठे कुछ सिख दहशतगर्द आदि शामिल हैं। गौर हो कि अलकायदा, लश्करे तोयबा और डी कंपनी जैसे संगठनों से पैदा खतरे को पहचानते हुए भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने में गहरे सहयोग पर सहमति जताई और पाकिस्तान से साल 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। News Point Bureau.